नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिक टुडे न्यूज में। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें पाने के लिए पब्लिक टुडे न्यूज की इस वीडियो को लाइक और चैनल को नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जी हां, आपको बता दें कि चंद्रयान 2 पे पाकिस्तान के काफी बड़े ट्वीट आ रहे हैं। पाकिस्तान के मीडिया का कहना है कि भारत चांद पर जा रहा है और हम वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के कुछ बड़े नेता शर्मनाक ट्वीट भी कर रहे हैं। हम आपको बताने वाले हैं पाकिस्तान की तरफ से क्या ट्वीट आ रहे हैं। जी हां, पहले सबसे पहले इस खबर को सुन लीजिएगा कि मीडिया की रिपोर्टर क्या कह रही है। जी हाँ, जैसे आपने मीडिया रिपोर्टर की बात करी, मीडिया रिपोर्टर जहां पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान के बड़े बड़े मंत्री पाकिस्तान से तंज की प्रक्रिया दे रहे हैं। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वहीं ISRO को ट्वीट किया जा रहा है, अंतरिक्ष में पाकिस्तान पर मंत्री का बड़ा मजाक भी उड़ाया गया। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि पाकिस्तान के मिनिस्टर फवाद चौधरी ने जो है भारत के ISRO को ट्वीट किया कि ये खिलौना मून की बजाय मुंबई में उतार गया। खिलौना, उन्होंने कहा कि ये खिलौना मून की बजाय मुंबई में उतर गया। उसी के बाद पाकिस्तान के लोगों ने उनको करारा जवाब दिया। पाकिस्तान के लोगों ने कहा कि दिस वेट इज किलिंग, टू मच ऑफ टेंशन टू बियर, ISRO प्लीज मेक सम अनाउंसमेंट। उन्होंने कहा कि ISRO प्लीज अनाउंसमेंट करे ताकि पाकिस्तान के नेता श्रम से मर चुके हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान जो चांद पे कदम चांद के पास नहीं पहुंच रहा, भारत चांद के पास भारत के कदम पहुंच रहे हैं। जी हां, दूसरी सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान के एक और नेता ने फजीत तारिक फतेह ने जो है कूड़े से की तुलना। आपको बता दें कि पाकिस्तान के चंद्रयान 2 की तुलना कूड़े से की है, जिसके आप ट्वीट दे रहे हैं। तारिक फतेह ने कहा है कि भारत किस कूड़े को लेकर चांद पे पहुंचा है, और राव जुनीद इकबाल ने भी सेम बात की है कि साइंस का मजाक उड़ाया जा रहा भारत की तरफ से। लेकिन इन लोगों को, पाकिस्तान के नेताओं को जो है पाकिस्तान की जनता ने ही जवाब दिया। आपको बता दें कि अनिल शहजादी नाम के एक यूजर ने लिखा, कम से कम उन्होंने कुछ किया, वो लगातार विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, इनका जवाब दिया। एक यूजर ने कहा कि कम से कम भारत ने तो कुछ किया है, और फवाद के ऐसे मंत्री जी ने ऐसा बयान दिया। इस कड़ी में उनके साथ पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता असीफ गुफर ने भी शामिल है। गुफर ने भी इसे लेकर गैर जिम्मेदार ट्वीट किया, इतने बड़े पद पर रहते हुए उन्होंने बड़ा बयान काफी शर्मनाक है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के इन बड़े मंत्रियों के बयान को पाकिस्तान के लोग ही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए शर्म है, भारत ने कम से कम कोशिश तो की है। लेकिन पाकिस्तान भारत जो है भारत के एक नंबर के बराबर नहीं है, भारत के पैर के बराबर भी नहीं है। पाकिस्तान के लोगों ने खुद पाकिस्तान की बेइज्जती की है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, जरूर वीडियो में कमेंट कीजिएगा। आप देख रहे हैं पब्लिक टुडे न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज पाने के लिए पब्लिक टुडे न्यूज की इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वो लेटेस्ट खबर, बड़ी खबर सबसे पहले मिल पाए।